जम्मू कश्मीर में, विशेष प्रकार से जम्मू में लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार है, जो यातायात के लिए, आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन जो है अभी होना बाकी है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि 1345 करोड़ रुपए के इस बजट में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, सड़कों का चौड़ीकरण जो है वो किया जा रहा है, और भगवती नगर से कैनाल हेड तक जो है वहाँ पर भी जो है एक स्ट्रेच, जो 0.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पर भी जो है काम जल्द शुरू होने जा रहा है। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL ने 1345 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू अखनूर सड़क चौड़ीकरण परियोजना को एग्जीक्यूट करने के लिए चार पैकेजेस में डिवाइड किया है। पैकेज एक के तहत भगवती नगर चौक यानी चौथा तवी पुल से कैनाल हेड तक 0.8 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर काम करना, जबकि पैकेज दो के तहत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करना, और पैकेज तीन के तहत 20 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को चौड़ा करना, और इसी तरह चौथे पैकेज के तहत हनुमान चौक से आर्मी एरिया तक 4 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर काम करना शामिल है। पैकेज एक के तहत भगवती नगर चौक से कैनाल हेड तक 0.8 किलोमीटर लंबे खंड पर काम जल्दी शुरू होने के लिए तैयार है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कंपनी द्वारा इस कार्य को आवंटित कर दिया गया है। चूंकि मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है और इस खंड पर स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने की प्रक्रिया अब 2 से 3 दिनों के भीतर शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा। जबकि पैकेज दो के तहत फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। हालांकि इस फ्लाईओवर का ऑफिशियल उद्घाटन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन यातायात के लिए इसे खोल दिया गया है। 4.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की कुल निर्माण लागत 274 करोड़ रुपए थी, जिसमें 4 सर्विस लेन शामिल है। इस फ्लाईओवर पर इलेक्ट्रिफिकेशन और टेक्निकल टेस्टिंग सहित सभी तरह से काम पूरा कर लिया गया है। सर, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और अब देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे जम्मू में ना कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है, और ये जो एक फ्लाईओवर बना है जहाँ से कैनाल हेड से लेकर मुठ्ठी तक, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। और पहले घंटों जाम में फंसना पड़ता था, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट में हम जाम से निजात पा जाते हैं। कैनाल हेड से लेकर भगवती नगर तक जो 4th फ्लोर तवी का ब्रिज है वहाँ तक रोड खुला हो रहा है, तो बहुत अच्छा स्टेप है। इस रोड को भी खुला होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल जमुतीज, क्योंकि जिस कदर यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन पहले रहता था उसमें काफ़ी हद तक ईज हो मतलब हो गया। कल मैं आपको बताऊँ, कल मैं आ रहा था यहाँ से अपने मुट्ठी से, तो जब हम फ्लाईओवर के नीचे से चल रहे थे तो मैं खुद ड्राइव कर रहा था, ट्रस्ट मी, तो मुझे ऐसा लगा एज इफ आई एम जस्ट मूविंग ऑन दिल्ली रोड्स, जहाँ पे पूरा अच्छा नेटवर्क है मेट्रोज का, अपने फ्लाईओवर्स का। तो दिस इज़ रियली एन अप्रिशिएबल दिस टास्क विच हैज़ बीन टेकन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू आई कैन जस्ट से यू आई रियली थैंक गवर्नमेंट, एंड आई वॉन्ट दैट मेनी मोर सच प्रोजेक्ट शुड कम सो दैट वी ऑल फील फ्री दिस हैसल फ्री मूवमेंट। जी, मेरा नाम सुमित है जी। फ्लाईओवर जो ये बना हुआ है बहुत बढ़िया बना है, काफ़ी देर से इसकी ज़रूरत थी लोगों को, तो ताकि टाइम का बचत हो सके। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना है। अब जो ये अपना भगवती नगर से कनार रोड तक जो 1 किलोमीटर का ये बन रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी बन जाए तो हमारे लिए और बढ़िया हो जाए, ताकि टाइम की बचत हो। तो बाकी तो ब्रिज सारी तरफ से बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है, सर छोटा सा प्रॉब्लम है खाली एक। इसके अलावा पैकेज तीन में गणेश विहार से खाती चौक तक 20 किलोमीटर लंबे खंड पर 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी का काम तेज गति से चल रहा है। 20 किलोमीटर लंबे खंड पर काम मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है, और इसी तरह पैकेज 4 के तहत हनुमान चौक से सेना क्षेत्र तक 4 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर काम जनवरी 2023 तक शुरू होने की संभावना है, जबकि 2025 तक पूरी परियोजना को पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इसी बीच में लोगों ने सरकार से परियोजना को जल्द पूरा करने की अपील की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
फ्लाईओवर बनने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन रोड वाइडनिंग का कार्य जो है अभी किया जा रहा है। 60% तक जो है ये कार्य मुकम्मल हुआ है और जो हिस्सा रह गया है वहाँ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए जाने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रोमा देवा। रोमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो रोड का हिस्सा अभी वाइडनिंग कर रहे हैं, जो चौड़ा हो रहा है, जो अभी नहीं हो पाया, उससे क्या परेशानी आ रही है? इससे हमारा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को भी कम से कम थोड़े दिन लगते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, थोड़े दिन लगते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। मैं खुद अभी बीमार हूँ, जुकाम है, बुखार के बाद मिट्टी की वजह से सुबह बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा है, बच्चे हम टाइम पे स्कूल नहीं उनको छोड़ने जाते हैं क्योंकि गाड़ी की वजह से बच्चे कई बार स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, ट्यूशन की भी दिक्कत हो रही है कि हम गाड़ी सड़क नहीं क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये सड़क बन जाती है तो सड़क बनने से क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि थोड़े जो एक्सीडेंट होंगे वो कम होंगे और जो धूल मिट्टी है थोड़ी कम होगी, हमें नंगने में आसानी हो सकती है और ये रोड जल्दी जल्दी बनना चाहिए। मैं यही मुट्ठी से रहता हूँ, लोकल ही हूँ। फ्लाईओवर तक बनने का तो ठीक है, मतलब बड़ा आसान हो गया लोगों को यहाँ तक, बट उसके बाद मतलब आगे तक बिल्कुल सेम रोड यहीं पर ऐसे टूटा हुआ है तो उससे बड़ी तकलीफ होती है, मतलब लोगों को बाइक पे जाना हो, गाड़ी पे जाना हो तो मतलब बंदा सफ़र नहीं कर पाता इतनी दूर तक। और ये रोड बन जाएगा तो उसके बाद मतलब बंदा जो एक घंटा लगता है बंदे को उस पर आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, वो आसानी हो जाएगी। बट यह काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है और क्योंकि 2 साल होने वाला है तो उन्होंने कहा था कि 1.5 आवर में कम्प्लीट हो जाएगा, तो वो भी है परेशानी, तो उनको थोड़ी जल्दी करना चाहिए काम। जम्मू में ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर जो है कई प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिनमें फ्लाईओवर भी शामिल हैं, सड़कों का चौड़ीकरण जो है वो भी शामिल है और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए जो है प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने आज आपको बताने की कोशिश की कि 4 फेजेज़ में जो है कार्य किए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनकर तैयार है, जनता को समर्पित हो चुका है, औपचारिक रूप से जो है इसका उद्घाटन अभी बाकी है। सड़कों की बात करें तो सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है जिसका 60% कार्य जो है मुकम्मल हो चुका है और एक नया स्ट्रेच जो है 0.8 किलोमीटर का वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल 2023 के शुरुआती महीनों में जो पेंडिंग कार्य, जो 4 फेजेज़ में ये कार्य किए जा रहे थे, जो पेंडिंग रह गया उसको भी जल्द मुकम्मल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम जनता को राहत पहुंचाई जा सके। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कार्यों को जो है गति दी जाए और जहां जहां सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए वहां पर चौड़ीकरण जो है वो किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और ट्रैफिक से निजात मिल सके। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।